दोस्तों, ट्रेन में सफ़र के दौरान आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन सामने की तरफ से आ रही होती है और ऑपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन आती है, तो पहले वाली ट्रेन का लोको पायलट ग्रीन सिग्नल दिखाकर दूसरी ट्रेन के लोको पायलट को मैसेज कन्वे करता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इधर से आने वाली ट्रेन पूरे ट्रैक को देखती आती है और ऐसे ही दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन सेम ऐसे ही करती है। जब दोनों ट्रेन आपस में मिलती हैं तो एक मैसेज कन्वे करती हैं कि ट्रैक में कोई खराबी नहीं है और लोको पायलट अपनी फुल नॉच में ट्रेन ले जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप जान गए होंगे कि दोनों ट्रेन के लोको पायलट क्रॉस करने के दौरान ग्रीन सिग्नल क्यों दिखाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।